नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे रीट शिक्षक भर्ती 2020 के बारे में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आज नई रीट भर्ती को लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट किया था। यहाँ पर आप देखिए, रीट का पाठ्यक्रम तय सीमा में तय करके सभी पहलुओं की समीक्षा की जा रही है और पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 2 अगस्त को परीक्षा करवाई जाएगी। इसके अलावा फेसबुक पर भी पोस्ट किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, रीट का पाठ्यक्रम तय सीमा में तय करके सभी पहलुओं की समीक्षा की जा रही है, पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 2 अगस्त को परीक्षा करवाई जाएगी। इसके अलावा ये न्यूज आप देख सकते हैं, पत्रिका की है, जयपुर से शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा, परीक्षा 2 अगस्त 2020 को 15 दिन में तय होगा रीट का पाठ्यक्रम, विभिन्न पहलुओं की हो रही है समीक्षा। तृतीय श्रेणी शिक्षक पद के लिए आयोजित होने वाली रीट परीक्षा का सिलेबस 15 दिन में तय होगा और सोमवार को शिक्षा संकुल में शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने यह बात कही। यानी दोस्तों, बड़ी बात यह है कि 15 दिन के अंदर अंदर आपका सिलेबस जारी हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अभी आचार संहिता लगी हुई है राजस्थान में पंचायत चुनाव की वजह से, और 31 यानी इस महीने तो आचार संहिता रहेगी और इस महीने आपकी जो विज्ञप्ति है रेट की विज्ञप्ति वो जारी नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों कोई भी सरकार आचार संहिता में नई भर्ती नहीं निकाल सकती है। तो आपके दोस्तों जो रेट की विज्ञप्ति है वो अगले महीने ही जारी होगी, फरवरी 2020 में। इसके अलावा दोस्तों, बड़ी बात दोस्तों यह है कि 2 अगस्त 2020 आपकी एग्ज़ाम डेट फिक्स है, उसी को मानकर दोस्तों आप अपनी तैयारी जारी रखिए और सिलेबस इसी महीने में दोस्तों किसी भी हालत में मान के चलिए जारी हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसके अलावा दोस्तों, सिलेबस में कुछ बदलाव भी होगा, राजस्थान GK को महत्व दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, बात करें वेटेज की, तो शिक्षा मंत्री ने दोस्तों भरोसा दिलाया है कि वेटेज कम होगा, इसके अलावा समाप्त भी हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों, आपको पता ही है कि खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि 31,000 पदों पर यह भर्ती होगी और 2 अगस्त 2020 को इसका एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा दोस्तों, अब की बार 2 एग्ज़ाम भी हो सकते हैं, यानी पात्रता परीक्षा के बाद सब्जेक्ट का भी एग्ज़ाम होगा, ये भी आप कन्फर्म मान के चलिए शिक्षा मंत्री ने कहा था, ठीक है। तो अभी के लिए दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।